हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना और यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच के डिफरेंस को हम समझेंगे। मतलब कि आज हम एलन वी ओपेनियम का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम नंबर 9.39 का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने जा रहे हैं और इसके सोल्यूशन करते समय ही यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कैसे करते हैं, यूनिलैटरल और बाइलैटरल में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते ही समझेंगे। यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी होता है, इसको चाई एक्स एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चाई एस इक्वल टू 0 - 2 इन्फिनिटी एक्स टी टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। जबकि बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता था -∞ to ∞ एक्स टी टू डी पावर माइनस एस टी डी टी। यूनिलैटरल भी दो तरीके का होता है, राइट साइडेड यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लेफ्ट साइडेड यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। राइट साइडेड में 0 to ∞ इंटीग्रेट करेंगे और लेफ्ट साइडेड यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में -∞ to 0 इंटीग्रेट करेंगे। हमने लिमिट 0 माइनस इसलिए ली है, 0 माइनस बता रहा है कि इस इंटीग्रल में 0 इंक्लूडेड है। 0 क्या है, टी इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है, मतलब हम इंटीग्रेशन 0 के थोड़ा पहले, 0 से थोड़ा पहले से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब 0 इस इंटीग्रल में इंक्लूडेड है। मतलब अगर डेल्टी अगर कहीं है तो डेल्टी इस लिमिट के अंदर लिखेंगे, कहने का सेंस यही है। तो इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, इसमें x1t दिया हुआ है, x2t दिया हुआ है। x1t का यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों निकालना है। दोनों निकालेंगे तभी पता चलेगा कि क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो इसका यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म x1t का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो देखें कि ut यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है t ग्रेटर देन 0 के लिए और 0 अदरवाइज होता है। यहां से अगर x1t फाइंड करें, x1t की वैल्यू है e to the power -2t ut, e टू डी पावर माइनस टू टी एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, e टू डी पावर माइनस टू टी एक बार 0 से मल्टीप्लाई होगा। e टू डी पावर माइनस टू टी इंटू 1 e टू डी पावर माइनस टू टी 40 ग्रेटर देन 0 के लिए, e टू डी पावर माइनस टू टी इंटू 0 0 हो जाएगा और अदरवाइज है ना। तो जाई वन एक्स मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 0 - 2 इन्फिनिटी x1t e to the power -st dt। यहां भी t ग्रेटर देन 0 पे है और लिमिट भी t ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए x1t की वैल्यू e to the power -2t है, तो x1t के जगह पर e to the power -2t पुट कर दिया जाए, 0 - 2 इन्फिनिटी e to the power -2t e to the power -st dt। बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर देंगे, पावर ऐड कर दिया जाए, 0 - 2 इन्फिनिटी e to the power -t कॉमन ले ले तो s+2 dt। इंटीग्रेट करेंगे तो e to the power ax का इंटीग्रेशन e to the power ax डिवाइड बाय a से डिवाइड हो जाएगा, s+2 से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट 0 to infinity इधर मैं लिखता हूं इसको, e to the power -∞ s+2 - e to the power 0 / -(-2) अगर -∞ होगा e to the power -∞ की वैल्यू 0 होगी, e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो 1 से बड़ी क्वांटिटी का -∞ पावर करेंगे तो 0 आएगी वैल्यू,
तो जीरो माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस टू, ऐसा तब होगा जब माइनस इनफिनिटी का कोफिशियंट पॉजिटिव हो, मतलब रियल पार्ट ऑफ एस प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। वन बाई एस प्लस टू आ गया, इसे हम आर ओ सी बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही बोलते हैं। इस रीजन में ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज तो ई टू द पावर प्लस इनफिनिटी हो जाएगा तो डाइवर्ज कर जाएगा। तो यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स वन टी आया, एक्स वन एस इक्वल टू वन बाई एस प्लस टू, आर ओ सी आया रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस टू। अब इसी एक्स वन टी का बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करना करा है, इसका बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करने करा है। तो एक्स वन एस का फॉर्मूला होता है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स वन टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी। एक्स वन टी की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक तो इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब टी लेस देन जीरो पे जीरो है एक्स वन टी की वैल्यू, और जीरो से इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू ई टू डी पावर माइनस टू टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी। तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस टू टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी। बेस से मैं पावर ऐड कर दे, इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू डी पावर ए एस डिवाइड बाई एस सेम चीज आ जाएगा, बाकी तो फिर सेम ही होगा और रिजल्ट भी सेम ही आएगा, लिमिट भी सेम है ना और वैल्यू भी सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। एक्स वन एस इक्वल टू वन बाई एस प्लस टू, आर ओ सी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस टू। तो आप बड़ा आश्चर्य की बात है कि क्या फायदा भाई यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने का, कि इसका यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालें तो भी सेम आया और बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालें तो भी सेम आया, फायदा क्या हुआ, अलग से यूनिलैटरल क्यों बोला आपने। वैसा सिग्नल जो t इक्वल टू जीरो या उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है उसका यूनिलैटरल और बाइलेटरल सेम आएगा, वैसा सिग्नल, ठीक है आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट में लिख लीजिए, काम की बात है, जो काम की बात है उसे नोट में लिखते लिखिए। इफ एक्स टी इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो देन एक्स टी विल हैव सेम यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, xt का यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म और बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म सेम होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा सिग्नल जो t लेस देन जीरो पे जीरो है उसका यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाले, यूनिलैटरल का मतलब राइट साइडेड यूनिलैटरल, अगर कहीं यूनिलैटरल बोला है तो आप यही समझ के चलेंगे कि राइट साइडेड यूनिलैटरल, लेफ्ट साइडेड की बात नहीं है, लेफ्ट साइडेड बोलेगा तो स्पेसिफाई अलग से करेगा। तो एक्स टी इक्वल टू जीरो टी लेस देन जीरो भी देख के आपका माथा थोड़ा खनक रहा होगा, ये ऐसा कब होता है, अगर एक्स टी के जगह पर सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर ये सिस्टम फंक्शन हो टी लेस देन जीरो के लिए और सिस्टम फंक्शन जीरो हो टी लेस देन जीरो के लिए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉजल सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉजल सिस्टम। याद आ गया, बड़ा जल्दी याद आ गया भाई, कॉजल सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि कॉजल सिस्टम लेफ्ट साइड में जीरो होता है, कॉजल सिस्टम का सिस्टम फंक्शन लेफ्ट साइड में जीरो होता है। तो अगर कॉजल सिस्टम का निकालें तो यूनिलैटरल और बाइलेटरल सेम आएगा, ऐसे भी बोला जा सकता है। चलिए आइए बी पार्ट इसका करते हैं, बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, डिटरमाइन यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू एस x2s and bilateral transform x2s of signal x2t, x2t का unilateral laplace transform निकलना है, bilateral laplace, अभी बहुत सब बहुत कुछ है इस problem में,
ए बी सी डी, चार पार्ट हैं इसके, ए बी सी डी। अभी तो बी पार्ट में है, बहुत सारी चीजें इसमें बातें डिस्कस होनी है, तो ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें इस प्रॉब्लम में सीखने को मिलेगी। अभी ताजा ताजा अभी ब्लॉक डायग्राम आपने सीखा है, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म भी सीखेंगे, और यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे, फिर सर्किट्स होता है आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये सब सॉल्व करना भी अभी बाकी है लैपलास ट्रांसफॉर्म में। अभी बहुत कुछ बाकी है इस लैपलास ट्रांसफॉर्म में, बड़ा लंबा है लैपलास ट्रांसफॉर्म, अभी खत्म नहीं हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म, ध्यान में रखिएगा। तो x2 t के लिए ut प्लस वन है, ut आपका जाना पहचाना प्रिय मित्र, क्या ut इक्वल टू वन होता है, t ग्रेटर देन जीरो, और इस मित्र का नाम यूनिट स्टेप फंक्शन है। यहां से ut प्लस वन फाइंड कर सकते हैं, ut से हम ut प्लस वन फाइंड कर सकते हैं, ut प्लस वन वन होगा, t प्लस वन ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो t ग्रेटर देन माइनस वन के लिए जीरो, अदरवाइज ut प्लस वन से दोस्ती हो गई है आपकी, ut प्लस वन से दोस्ती हो गई, तो इसको इसका यूज करके x2 t से भी थोड़ा दोस्ती कर लीजिए। x2 t क्या है, e टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन ut प्लस वन, मतलब e टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन को ut प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा ये e टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन इंटू वन, e टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन फॉर t ग्रेटर देन माइनस वन जीरो, अदरवाइज जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो, जीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट है जीरो ही आना, जीरो की कोई चिंता ही नहीं करता, इंटीग्रेशन भी करेंगे तो जीरो को तो जीरो ही आना है, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स में अगर एक्स टी जीरो है तो उसको कोई इंटीग्रेट ही नहीं करता है भाई, नॉन जीरो को ही लोग देखते हैं। तो यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म जाए टू, इसका क्या है फॉर्मूला, जीरो माइनस टू इन्फिनिटी है जी, लिमिट क्या है जीरो माइनस टू इन्फिनिटी है, इंक्लूडेड जीरो इंक्लूडेड है, बस इसका यही सेंस है, जीरो माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा पहले, मतलब ना इस लिमिट में जीरो इंक्लूड हो रहा है, जीरो को लेके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, छोड़ के नहीं है। एक्स टू टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, अब इंटीग्रेशन का लिमिट तो जीरो से इन्फिनिटी ही है, और ए एक्स टू टी जो है वो कहां से शुरू हो रहा है भाई, माइनस वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम तो जीरो से इन्फिनिटी वाला ही लेंगे वैल्यू ना, तो लिमिट जीरो से इन्फिनिटी की देखें तो यही वाली वैल्यू है, ए वाली वैल्यू कहां से हो रहा है, माइनस वन से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक तो यही है ई टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन है ना, ठीक है। हमारी हाइट अगर छह फीट से ज्यादा है तो साढ़े पांच फीट से या पांच फीट से ज्यादा वाला हाइट वाले का सिलेक्शन है, तो उसमें तो हमारी सिलेक्शन हो ही जाएगी ना भाई, तो इसकी हाइट जीरो से ज्यादा है और ये माइनस वन से ज्यादा वाला है तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगी ना। जीरो टू इन्फिनिटी ये क्या हो गया, ई टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन इंटू ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इसे, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस थ्री टी, ई टू डी पावर माइनस थ्री, ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस थ्री बाहर कर दें, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस टी कॉमन ले लें तो एस प्लस थ्री डी टी, इंटीग्रेट कर दिया जाए, ई टू डी पावर माइनस टी एस प्लस थ्री डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस प्लस थ्री जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट, लिमिट भी पुट किया जाए,
ये तूने कई सारा बदला मौसम लग प्यारा जग सारा, तू कहीं जीवन में अपर लिमिट पुट किया इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ई टू डी पावर जीरो। ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, और जीरो तब होता है जब एस प्लस थ्री का रियल पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी बरकरार रहेगा, अदरवाइज प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर एस प्लस थ्री निगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। ये हो गया ई टू डी पावर माइनस थ्री अपॉन एस प्लस थ्री, और आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, रियल पार्ट ऑफ एस प्लस थ्री है ना, राइट साइड जाएगा तो माइनस थ्री आ गया। तो जय वन एस यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू टी आ गया ई टू डी पावर माइनस थ्री अपॉन एस प्लस थ्री, आर ओ सी आ गया रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस थ्री, इसको वेट कर रखिए। अब बायलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बायलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू टी, फिर देखेंगे क्या घोटाला है। एक्स वन टी का तो सेम आया था, एक्स टू टी का क्या आता है, बायलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू टी फाइंड करेंगे। क्या घोटाला है बायलेटरल, अरे बीच में बड़ा कायल आ गया, एक्स टू एस इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टू टी ई टू डी पावर माइनस एस टी टी टी, ये तो मिटाई दिए हम, एक्स टू टी की क्या वैल्यू थी वो मिटाई दिए हैं, यहाँ लिख दिए थे एक्स टू टी की वैल्यू थी ई टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन और टी ग्रेटर देन माइनस वन और जीरो अदरवाइज, मतलब टी लेस देन माइनस वन के लिए, तो लिमिट माइनस वन से इन्फिनिटी लेंगे, इसमें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना जी, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक तो वैल्यू जीरो है एक्स टी की, एक्स टू टी की, और माइनस वन से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू है ई टू डी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन इंटू ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस वन टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस थ्री इंटू ई टू डी पावर माइनस थ्री टी इंटू ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी। ई टू डी पावर माइनस थ्री को बाहर कर ले, माइनस वन टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर माइनस टी एस प्लस टी एस प्लस थ्री है ना, थ्री है, इंटीग्रेट करके फिर लिमिट पुट कर दे, इंटीग्रेट करिए इसे और लिमिट पुट करिए, कर सकते हैं ना, बायलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म तो बहुत फाइंड किया आपने सर, ये काम तो हमें जब भी मर्जी तब दे दीजिए, यूं यूं कर देंगे है ना, यूं यूं करेंगे क्या, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख देंगे भाई, लोग आधे लोग तो डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखने लग गए हैं भाई, ना डायरेक्ट मत किया कीजिए भाई, अगर सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट मत किया कीजिए, स्टेप्स मायने रखता है, हाँ कंपटीशन दे रहे हैं तो फिर कोई समस्या नहीं, कंपटीशन वाला अभी आगे करवाएंगे, गेट वगैरह के लिए अलग से हम तरीके बताएंगे, ये सारे प्रॉब्लम अगर गेट या कोई ईएस वगैरह के कंपटीशन वाले में बैठ रहे हैं तो कैसे शॉर्टकट तरीका लगाएंगे, वो शॉर्टकट टिप्स भी आगे चलेगा उसका भी, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सब कुछ आएगा इसमें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ आने वाला है इस चैनल पे, देर जितना हो, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया ई टू डी पावर माइनस थ्री जीरो माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस थ्री, रियल पार्ट ऑफ एस प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, गुंजाइश है अनुमति है भाई, ई टू डी पावर माइनस थ्री अपॉन एस प्लस थ्री
लोअर लिमिट -1 था भाई। यो 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 घोटाला 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 घोटाला। लोअर लिमिट 0 नहीं था भाई, -1 था भाई। 0 किसने पुट कर दिया भाई? -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 ई टू डी पावर एस प्लस 3। ऐसे कैसे घोटाला करते हैं? ई टू डी पावर एस प्लस 3 ऊपर लिखता हूं भाई, ज्यादा लफड़ा हो गया इधर नीचे। घोटाला ए हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं। ई टू डी पावर -3 इंटू ई टू डी पावर एस प्लस 3, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, एस प्लस 3। आर ओ सी हो गया रियल पार्ट ऑफ एस प्लस 3, 3 का रियल पार्ट तो 3 ही होगा ना। ई टू डी पावर माइनस एस माइनस 3 प्लस 3 तो 0 हो जाएगा। ई टू डी पावर एस अपॉन एस प्लस 3। ए आ गया एक्स टू एस, जो सी बात है सेम नहीं है, एक्स टू एस सेम नहीं है। ये -3 था, ये ई टू डी पावर एस आया। आर ओ सी तो चलिए सेम है। तो जब -1 से स्टार्ट हो रहा था सिग्नल, कहाँ लिख दिया हमने भाई? ए आउट ऑफ सिलेबस लिख दिया ना, नीचे दिख नहीं रहा है। सेम ही लिखा हूं भाई, है ना, ये जो वैल्यू है ना इसी को मैं नीचे लिखा हूं, कोई नहीं हमारे काम के लिए। आपके लिए तो यही है नेक्स्ट टू एस और जेड टू एस सेम। तो जब सिग्नल -1 से शुरू हो रहा था तो इसका यूनिलैटरल और बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों सेम नहीं। अब सी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। श्रीमान सी पार्ट हाजिर हो, सी पार्ट सॉल्व किया जाए। क्या बोला है सी पार्ट? टेक इनवर्स बायलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सी पार्ट बोला है टेक इनवर्स बायलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट X1s एंड X2s टू डिटरमाइन द सिग्नल, टू डिटरमाइन द सिग्नल जी टी इक्वल टू X1t कन्वोल्यूशन ऑफ X2t। अगर X1t X2t का कन्वोल्यूशन करना है तो X1s इंटू X2s का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। X1s क्या आया था हमारा, याद है क्या? X1s आया होगा 1/s + 2 आया होगा, और X2s क्या आया था अभी दिखा लिखा हुआ है e to the power s upon s plus 3। तो जी जी एस क्या हो जाएगा, X1s इंटू X2s मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे ना। ये हो गया 1/s + 2 इंटू एस ई टू डी पावर एस डिवाइड बाई एस प्लस 3। आर ओ सी हो रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -2, इंटरसेक्शन रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -3। -2 से बड़ा और -3 से बड़ा, 10वीं पास 12वीं पास 12th पास ही कल आएगा। ई टू डी पावर एस बाहर कर दे, 1/s + 2 इंटू एस प्लस 3। आर ओ सी हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -2। ई टू डी पावर एस वगैरह है तो उसको अलग करके पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करते हैं, ई टू डी पावर एस को लेके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखते हैं। जब भी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ई टू डी पावर एस का टर्म है तो उसे छोड़ के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, है ना। एस प्लस टू
और यहां s प्लस थ्री है ना, s प्लस टू के ऊपर क्या आएगा, s प्लस टू को हाइड कर दे, छुपा दे, और 1 बाई एस प्लस थ्री में s इक्वल टू माइनस टू पुट कर देंगे, माइनस टू प्लस थ्री वन आएगा, तो ये वैल्यू बनाई। s प्लस थ्री वाला लिखना है तो s प्लस थ्री को हाइड कर दे, हाइड करने में मिटा क्यों दिया, s प्लस थ्री को हाइड कर दे, और s प्लस टू वाले में 1 बाई एस प्लस टू वाले में s इक्वल टू माइनस थ्री, इसका पोल कहाँ पे है, s इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन आएगा, ये जीएस आ गया ना। जीटी कितना आएगा, टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो 1 बाई एस प्लस टू का क्या होता है भाई, ई टू डी पावर माइनस टू टी यू टी है ना, और ई टू डी पावर एस इंटू एक्स एस का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स टी प्लस वन हो जाएगा ना, t प्लस वन है ना, पढ़े थे ना प्रॉपर्टी, एक्स टी माइनस टी नॉट का लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू दी पावर माइनस एस टी नॉट एक्स एस होता है, टी नॉट की वैल्यू माइनस वन है तो t प्लस वन हो जाएगी, तो यहां जहां भी होगा वो t प्लस वन लगा देंगे, e टू दी पावर एस है मतलब प्लस वन की शिफ्टिंग है, तो जी टी इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टू टी प्लस वन यू टी प्लस वन माइनस e टू दी पावर माइनस थ्री टी प्लस वन U T प्लस वन, ये आया जी टी, इसको गहरा देकर रखिए ठीक है, ये जी टी आया, तो बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके आप कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं, ये आप सीख चुके हैं कन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए, जो है ना चैप्टर टू में हम केसेस लेके कन्वोल्यूशन फाइंड करते थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं करते, जिन दो सिग्नल का कन्वर्शन फाइंड करना है उन दोनों का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, फिर जो लैपलास ट्रांसफॉर्म निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो कन्वर्शन हो जाता है ना, तो आसान तरीका कन्वर्शन करने का है, ये आप इस तरीके से वाकिफ हो गए, तो सी पार्ट देखा हमने, अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट देखा जाए क्या बोल रहा है, डी पार्ट में देखिए आइए, लास्ट है ना डी पार्ट, शो डेट, डी पार्ट क्या बोल रहा है, शो डेट द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट जाइ वन एस एंड जाइ टू एस, एक्स टू नहीं जाइ टू है ना, जाइ टू एस इज नॉट द सेम एज जी टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो माइनस, बहुत सारे लोग ऐसा मन में मिथ बना लेते हैं कि यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म टी ग्रेटर देन जीरो माइनस के लिए होता है, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म टी ग्रेटर देन जीरो माइनस पे होता है, और कोई दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करना है और कन्वोल्यूशन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे काम का है, हमको टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही अगर उस रिजल्ट को ध्यान में रखना है या उसकी जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म दोनों के ले मल्टीप्लाई करें और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल ले, नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी वो रिजल्ट सही नहीं होगा, यही ये प्रॉब्लम बता रहा है कि कभी भी कन्वोल्यूशन करने में यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, बायलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, इवन एट टी ग्रेटर देन जीरो है ना, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी रिजल्ट सेम नहीं होगा पहले का, इसी को प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करके देना, भरोसा तो नहीं होगा हम पे तो आपको भरोसा होता नहीं है, तो भरोसा है नहीं तो प्रूफ करेंगे, ये प्रॉब्लम में यही कर रहा है कि भाई प्रूफ करो, इसको प्रूफ करके बताओ कि जो
जाइबरनेस और जाइटूएस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म पिछला जो जीटी आया है वो टी ग्रेटर देन जीरो, इसका टी ग्रेटर देन जीरो पे जो रिजल्ट है ना उससे भी मैच नहीं कर रहा है, उससे भी मैच नहीं कर रहा है। तो जाइबरनेस जाइटूएस हाजिर हो जी, जाइबरनेस तो था 1/s+2 था, सेम ही आया था ना भाई, एक्सबरनेस और जाइबरनेस X1T का तो इनलेटरल और बायलेटरल सेम ही आया था, और यहां जाइटूएस हमने लिखा है भाई, है ना, लिखा हुआ है हमारा जाइटूएस आया था e^-3 s+3। कॉमन ROC लिख दे रहा हूं, ROC रियल पार्ट ऑफ s>-2 है, -3 -2 में बड़ा तो -2 है ना, तो -2 के राइट साइड कॉमन होगा दोनों का, e^-3 बाहर कर दे, 1/s+2 × s+3। पार्शल फ्रैक्शन अभी हमने किया है 1/s+2 − 1/s+3। यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे, सॉरी इनवर्स एल इनवर्स करेंगे x^(j1)s एंड j2s का, तो क्या होगा e^-3 तो बाहर हो जाएगा, या तो कोई शिफ्टिंग वगैरह होगी नहीं ना, वहां पर e^(s) से मल्टीप्लाई था तो शिफ्टिंग हुई थी, तो ये हो गया e^-2t (ut) − e^-3t (ut), ऐसा लिख सकते हैं e^-2t − 3 − e^-3t+1 (ut). टी ग्रेटर देन जीरो पे तो ये तो मैच कर रहा है, लेकिन ए मैच नहीं कर रहा है ना, टी ग्रेटर देन जीरो पे तो ये नहीं मैच करेगा ना, तो ये सेम नहीं होगा, ये दोनों चीजें नॉट इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी, प्रूफ हो गया, मतलब इज नॉट इक्वल टू GT फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसा अगर हमारे दिमाग में बैठ रहा है, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहले से चल रहा था, वो खिचड़ी दिमाग से हटा दीजिए, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म लेके उसको मल्टीप्लाई करके इनवर्स लैपलास कर देंगे तो टी ग्रेटर देन जीरो तक तो कन्वोल्यूशन आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, कन्वोल्यूशन जब भी करना है तो आपको बायलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर उसको मल्टीप्लाई करके इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म इज नॉट ए लैपलास ट्रांसफॉर्म, डिफरेंट अदर देन लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म अलग होता है, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म अलग होता है, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते, एक दूसरे का पार्ट भी नहीं है ना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म की कहानी अलग है, लैपलास ट्रांसफॉर्म की कहानी अलग है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कॉमेंट में, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब जो भी वीडियो बन रहे हैं आगे जो आने वाले वीडियो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे अपने आप में ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सर्किट थ्योरी अभी समझना है आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी सीखना है बाय यूजिंग यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन गिवन होते हैं, इनिशियल कंडीशन को समझ के करना कि यूनिट है ना राइट साइड लगाएंगे या लेफ्ट साइड लगाएंगे, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ओपेंडम के अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले वीडियोज में, तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, लैपलास का एडवांस वर्जन आने वाला है।